नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर। इसी मामले में अंतरिम जमानत पर चल रहे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 4 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 4 दिसंबर को सूचीबद्ध किया है। सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनोज सिंह ने दलील दी है कि जैन के खिलाफ CBI ने 2017 में मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद में CBI के मुकदमे में जमानत मिल गई थी, क्योंकि CBI के उस मुकदमे में जैन को गिरफ्तार नहीं किया गया था। बाद में ED ने अगस्त 2017 को ECIR दर्ज की, लेकिन 5 साल तक सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार नहीं किया। तो वही जैन की सर्जरी 21 जुलाई को हुई थी। उन्हें चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत समय समय पर बढ़ाई जाती रही। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन शर्तें लगाई गई थी कि उन्हें मीडिया से बात नहीं करनी, साथ ही कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली के बाहर नहीं जाना है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।